रूस के बाद अमेरिका का इस मुद्दे पर आक्रामक होना इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन दुनिया के दो ताकतवर मुल्क अब तक शांत क्यों हैं? क्यों तुर्की और पाकिस्तान पर एक्शन नहीं लिया गया? हर वक्त जंग के लिए तैयार रहने वाले ये दोनों ताकतवर मुल्क अब तक चेतावनी ही क्यों दे रहे हैं? असल में इसके पीछे की वजह है 9 तारीख 9 अक्टूबर को नोबेल पुरस्कार का ऐलान होगा। इस दफा नोबेल प्राइज से सम्मानित होने वालों की फहरिस्त में कई बड़े नाम शामिल हैं। आखिर कौन कौन हैं वो लोग, पहले उसे देखिए। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप, रूस से व्लादिमिर पुतिन, इजराइल से बेंजामिन नेतन्याहू नोबेल प्राइज की दौड़ में। नोबेल प्राइज उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने दुनिया में शांति और सद्भाव को फैलाने का काम किया है। इस बार नोबेल प्राइज 2021 के दावेदारों में शामिल इन टॉप लीडर की निगाहें आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध पर टिकी है। हर मूवमेंट, हर एक्शन को तीनों देश बारीकी से देख रहे हैं, लेकिन इंतजार है तो सिर्फ 9 अक्टूबर का, जैसे ही 9 तारीख को नोबेल पीस प्राइज का ऐलान होगा। इसके बाद साफ हो जाएगा कि नोबेल पीस प्राइज किसे मिला और फिर शुरू होगा ताकतवर मुल्कों का पावर गेम जबरदस्त बारूदी ट्रेलर के साथ। मतलब साफ है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने में महज 3 दिन का वक्त बचा है। आने वाले 72 घंटों में आर्मेनिया और अजरबैजान जितना चाहे गोला बारूद बरसा ले। एक दूसरे को तबाह करने के लिए जितनी मर्जी विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर ले, लेकिन 3 दिन में वो जंग शुरू होगी जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आ सकती है। कौन किसके साथ जाएगा और कौन किसके खिलाफ लड़ेगा, फिलहाल ये तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन आप इस बात पर भी हैरान मत होइएगा कि अमेरिका और रूस एक साथ मिलकर लड़ेंगे। भले ही दोनों मुल्क एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, दोनों की अदावत दशकों से जारी है, लेकिन सीरिया के युद्ध में अमेरिका और रूस एक साथ खड़े रहे थे। ऐसे में मुमकिन है कि इस दफा नागोर्नो कराबाख में भी ऐसा ही हो सकता है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।